रिजवान इधर से यार कहाँ लगा रहे हैं माइक? नीचे कर लो, माइक नीचे कर लो यार। बात दो बार सदन में उठी। रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कहते हैं कि धोड़ी का मतलब डेथ बेड पे दान भी दीजिए, और इसके 920 एकड़ के आसपास लोगों ने अपनी जमीन को दान दे रखा है। और 2011 के बाद लगभग 1200 से ऊपर एकड़ पंचायत की जमीन, खासतौर पर गुड़गांव, रोहतक, पलवल और निवास के अंदर धोड़ी के अंदर दिखाया। मैं तो बारी बारी विधायक से भी, नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप कहिए हाउस के अंदर किसकी इंक्वायरी हो जाए। किसी भी इंडिविजुअल की दान करी हुई होली में दी गई जमीन को सरकार वापस ले, तो जिस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट में बिल कुछ आया, रूल्स कुछ बढ़े, और उसके बाद जिस तरीके से जमीन इतने बड़े चंक में रिलोकेट करी, उसके ऊपर जो भी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं उसके ऑलरेडी दो बार जवाब होने आवश्यक है। सर, इससे पहले के जो है कांग्रेस की सरकार की बात की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी देर से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं कुलदीप पक्ष की तरफ से, वो कह रहे हैं कि 20-50 साल से, इससे भी पुरानी जो वो है, और एक्ट जो है वो बाद में बना है 1800। सभी ध्यान में पंचायत की जमीन 1952 के बाद है, उसके अंदर से अगर कोई जमीन दान में दी गई उसके ऊपर सवाल उठा। पहले तो किसी इंडिविजुअल ने कोई भी जमीन दान दी गई है तो 1952 से पहले वो उसके नाम पर बोलती है। अगर उसके बाद में किसी भी शामला दे की जमीन के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करी गई, मैं तो आग्रह करता हूँ कांग्रेस के साथियों हाउस में बोलिए उसकी इंक्वायरी भी हो। या वो ये कहना चाहते हैं कि सरपंच डेथबेड पे बैठकर गांव की पंचायत की जमीन को दान दे सकता है, और अगर इनको डेफिनेशन चाहिए, इनको रूल्स चाहिए, तो हमने तो वो भी उपलब्ध कराने का काम किया, तो लेना नहीं चाहता। सर, संशोधन लागू होगा इसका? संशोधन तो अभी राष्ट्रपति के पास है, जब आएगा उसके बाद की बात है। बारी बारी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या कार्रवाई है। तो संशोधन विपक्ष ने सेक्शन का हवाला देते हुए संशोधन मेरे द्वारा लाया गया, मेरे को तो बारी बारी एक सवाल पूछा जाता है धोड़ी क्या है, मैं धोड़ी की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ये जांच करवाएंगे आप अपने लेवल पे? अगर वो तो मान नहीं रहे, आप अपने लेवल पे करवाएंगे? अगर इन्होंने दोबारा ये बात उठाई, मैं तो इनसे आग्रह कर दूँ, आप अपने जज से क्यों करवाएं? हम तो किसी एक FCR को 22 के 22 जिलों की डिटेल दे देते हैं, लेट हिम इंक्वायर। अगर किसी की पुरानी 1952 से पहले की दी गई जमीन है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसका मालिकाना हक उसके पास है। दुष्यंत जी, मामला जमीन का है, धोड़ी का है, लेकिन पूरा जिस तरीके से जातीय दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि विशेष जाति को टारगेट कर रही है। मैं बड़ा इस मामले में स्पष्ट हूँ, इसमें जाति की बात नहीं है। मैंने तो कल बूटी मार की भी बात करी, जो गांव के अंदर धोड़ी की तरह ही जमीन जो बूटियाँ उगाते थे लोग, जड़ी बूटियाँ, उनको दान दी जाती है। एक्ट के अंदर उनके लिए प्रावधान नहीं आया। इसी तरह के से 5 और लोग थे, और मेरे ख्याल से विधायक जी ने बड़ी अच्छी तरीके से लिख के दिया हुआ है कि बोंडदार है, रेड़ीदार है, मुकरईदार है, तमाम लोगों को जमीनें दी जाती थी। कोई भी बड़ा जमींदार था, जब वो बसासत करता था गांव से बाहर जाकर, तो अपनी सराउंडिंग के अंदर वो लोगों को बसाता था, सामाजिक तरीके से भी और अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने उनमें से किसी की जमीन को लेने का काम नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तथ्य बता रहे हैं कि 52 के बाद पंचायतें बनी, तो 52 के बाद जो शामला दे की जमीनें थी, अगर उसके अंदर से दान किया जाता है, इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पंचायत की जमीनों को ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच, मरते दम का धोड़ी के तौर पर दान दे सकता है, इसका मतलब तो वो अपनी जमीन की बजाय धोड़ी भी पंचायत की जमीन से लिया। तो सर, कोई आपने कांग्रेस सरकार का जिक्र किया है, क्या कोई आपके पास आंकड़ा है कि उस समय कितनी जमीन जो है इस तरीके की दी गई? सारा आंकड़ा उस समय का बता रहा हूँ कि 2011 के बाद 920 एकड़ धोड़ी की जमीन प्राइवेट दी गई है, और 1200 से ऊपर एकड़ जमीन पंचायत जमीन से दी गई, और 1200 में भी लगभग 85% जमीन 4 जिलों में दी गई।
अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलते हैं कि उनकी सरकार ने अच्छा एक्ट लाया, तो मैं कहता हूँ कि 1200 एकड़ जमीन की वो इंक्वायरी की बात करें, और हम किसी और से नहीं, उनके किसी चाहते FCR से 22 के 22 जिलों की इंक्वायरी करवा दें। थैंक यू। रिजवान इधर से यार कहाँ लगा रहे हैं? माइक नीचे कर लो, माइक नीचे कर लो यार। बात दो बार सदन में उठी, रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कहते हैं कि धोड़ी का मतलब डेथ बेड पे दान दी गई जगह, और इसके 920 एकड़ के आसपास लोगों ने अपनी जमीन को दान दे रखा है, और 2011 के बाद लगभग 1200 से ऊपर एकड़ पंचायत की जमीन, खासतौर पर गुड़गांव, रोहतक, पलवल और निवास के अंदर धोड़ी के अंदर दिखाया। मैं तो बारी बारी विधायक से भी, नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप कहिए हाउस के अंदर किसकी इंक्वायरी हो जाए, किसी भी इंडिविजुअल की दान करी हुई धोड़ी में दी गई जमीन को सरकार वापस नहीं। तो जिस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट में बिल कुछ आया, रूल्स कुछ बढ़े, और उसके बाद जिस तरीके से जमीन इतने बड़े चंक में रिलोकेट करी, उसके ऊपर जो भी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं उसके ऑलरेडी दो बार जवाब हमने सर इससे पहले के जो है आपने कांग्रेस की सरकार की बात की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी देर से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं कुलदीप बच्च की तरफ से, वो कह रहे हैं कि 20-50 साल से इससे भी पुरानी जो वो है, और एक्ट जो है वो बाद में बना है 1800। सभी यार में पंचायत की जमीन 1952 के बाद उसके अंदर से अगर कोई जमीन दान में दी गई उसके ऊपर सवाल उठा। पहले तो किसी इंडिविजुअल ने कोई भी जमीन दान दी गई है तो 1952 से पहले वो उसके नाम पर बोलती है, अगर उसके बाद में किसी भी शामला दे की जमीन के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करी गई, मैं तो आग्रह करता हूँ कांग्रेस के साथियों हाउस में बोलिए उसकी इंक्वायरी भी हो, या वो ये कहना चाहते हैं कि सरपंच डेथबेड पे बैठकर गांव की पंचायत की ज़मीन को दान दे सकता है, और अगर इनको डेफिनेशन चाहिए, इनको रूल्स चाहिए, तो हमने तो वो भी उपलब्ध कराने का काम किया, तो लेना नहीं चाहता। सर संशोधन लागू होगा इसका मतलब? तो अभी राष्ट्रपति के पास है, जब आएगा उसके बाद की बात है। बारी बारी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या कार्रवाई ना तो संशोधन विपक्ष ने सेक्शन का हवाला देते ना तो संशोधन मेरे द्वारा लाया गया, मेरे को तो बारी बारी एक सवाल पूछा जाता है धोड़ी क्या है, मैं धोड़ी की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ये जांच करवाएंगे आप अपने लेवल पे? अगर वो तो मान नहीं रहे आप अपने लेवल पे, तो आज अगर इनने दोबारा ये बात उठाई मैं तो इनसे आग्रह कर दूंगा नहीं आप अपने जज से क्यों करवाएं, हम तो किसी एक FCR को 22 के 22 जिलों की डिटेल दे देते हैं, लेट हिम इंक्वायर। अगर किसी की पुरानी 1952 से पहले की दी गई जमीन है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो उसका मालिकाना हक उसके पास है। दुष्यंत जी, मामला जमीन का है, धोड़ी का है, लेकिन पूरा जिस तरीके से जातीय राष्ट्र दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि विशेष जाति को टारगेट कर रही है। मैं बड़ा इस मामले में स्पष्ट हूँ, इसमें जाति की बात नहीं है। मैंने तो कल बूटी मार की भी बात करी, जो गाँव के अंदर धोड़ी की तरह ही जमीन जो बूटियाँ उगाते थे लोग, जड़ी बूटियाँ, उनको दान दी जाती है। एक्ट के अंदर उनके लिए प्रावधान नहीं आए। इसी तरह के से पांच और लोग थे, और मेरे ख्याल से विधायक जी ने बड़ी अच्छी तरीके से लिख के दिया हुआ है कि भोंडदार है, बेड़ीदार है, मुकरईदार है, तमाम लोगों को जमीनें दी जाती थी। कोई भी बड़ा जमींदार था जब वो बसाशत करता था गांव से बाहर जाकर, तो अपनी सराउंडिंग के अंदर वो लोगों को बसाता था सामाजिक तरीके से भी और अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने उनमें से किसी की ज़मीन को लेने का काम नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तथ्य बता रहे हैं कि 52 के बाद पंचायतें बनी, तो 52 के बाद जो शामला दे की जमीनें थी अगर उसके अंदर से दान किया जाता है, इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पंचायत की जमीनों को ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच मरते दम का धोड़ी के तौर पर दान दे सकता है, इसका मतलब तो वो अपनी ज़मीन की बजाय धोड़ी भी पंचायत की जमीन से दे रहा है। तो सर कोई आपने कांग्रेस सरकार का जिक्र किया है,
क्या कोई आपके पास आंकड़ा है कि उस समय कितनी जमीन जो है इस तरीके की दी गई? सारा आंकड़ा उस समय का बता रहा हूँ कि 2011 के बाद 920 एकड़ धोले की जमीन प्राइवेट दी गई है और 1200 से ऊपर एकड़ जमीन पंचायत जमीन से दी गई, और 1200 में भी लगभग 85% जमीन चार ही जिलों में दी गई। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलते हैं कि उनकी सरकार ने अच्छा एक्ट लाया, तो मैं कहता हूँ कि 1200 एकड़ जमीन की वो इंक्वायरी की बात करें, और हम किसी और से नहीं, उनके किसी चाहते FCR से 22 के 22 जिलों की इंक्वायरी करवा दें। थैंक यू।